हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है, जो भी मेरे वीडियो को ब्लॉग को देखते हैं सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, और आप लोग ही मेरे लिए भगवान से दुआ करिए। तो ये देखिएगा, कल का जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, नहा कर मैं आई और फिर खाना पीना खा के लेटी थी, आराम ही कर रही थी। तब तक लगभग 3-4 बज रहे होंगे, तो ये सामान लेकर आ गए। और ये है आपके शनिवार का वीडियो। तो शनिवार को कुछ मतलब कि नहाए खाए होता है, तो सुबह कह रही थी कि आज तो आ गई हूँ, संडे का शायद नहीं, संडे को आ पाऊँगी। जैसे ही ये बात बोलती है बहुत सर भारी हो जाता है कि अब कैसे मैं करूँगी। और यहाँ पर ये सारा सामान मिलवा रही हूँ मैं लिस्ट से, तो मैं चूँकि मिला नहीं पाती तो इसीलिए यहाँ पर इनको ही कहा। और उसके बाद फिर सुबह बोलती थी कब कल नहीं आऊँगी, तो मुझे बहुत भारी लग रहा था, बर्तन वगैरह बहुत सारा था, तो मैंने मजाक में इनको कह दिया कि आज बाहर ही खा लेते हैं। और इस बात को ये सीरियस ले लिया, नहीं अब तो बाहर ही खाना है। फिर मैंने बहुत मना किया कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जा नहीं पाऊँगी, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ लिया कि नहीं तुम बोली हो तो अब तुमको चलना ही पड़े। उसके बाद सामान मिलने के बाद मैं रूम में लेटी ही थी, लेकिन आ गई सुबह और ये देखेंगे रात के लगभग 7:45 बज रहे हैं। इन्होंने कहा था खाना बनाना ही नहीं है, बनाओगी भी तो मैं अब नहीं खाऊँगा क्योंकि अब बाहर चलना है। तो यहाँ पर बाबू अपना होमवर्क कर रहा है नीचे बैठ के, और ड्रेस वगैरह जैसे खोल के रखा है जो जहाँ है, क्योंकि मैं लेट जाती हूँ तो जिस घर की स्थिति जैसी रहती है वैसी ही रह जाती है। और जिस तरह मैंने कपड़ा कल उठा के रखा था, आप लोगों को दिखाया था, उसी तरह से था। तो 7:45 बज गए, वो बोले मैं 8:15 बजे तक आ जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा तब कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धोने को बचे थे तो वो मुझे धुलना है। और आप कहीं भी बाहर जाइए खाने या कुछ भी हो जाए, काम से छुट्टी मिलने वाला है नहीं। पहले मैंने इस नाइटी को धोया, हर वीडियो में मैं इस नाइटी के बारे में बोलती हूँ, मतलब इतना सॉफ्ट है मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सोचा मैं आकर यही पहनूँगी, तभी इसको धो लेती हूँ, तुरंत सूख जाएगा। तो यहाँ पर मशीन में पहले सिंगल एक नाइटी धो लूँगी, उसके बाद जब वो उधर ड्रायर में डाल दिया, बहुत सारे जो कपड़े इकट्ठे थे सब मशीन में डाल दूँगी। और उधर बाबू अपना होमवर्क कर रहा है, तो अब देखिएगा अभी आप क्या आप घर में खाना बनाएं या ना बनाएं, काम कितना होता है। तो मैं दोपहर की बात कर रही थी तो 3-4 बज रहे थे जब सामान लेकर ये आया। तो उसके बाद मैं बोली क्या कि आज लगता है कि खाना नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे किचन जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे क्या होता है, सारा सामान नीचे रख दीजिए और कुछ ज़रूरत वाला धो लीजिए, मन में रहता है वो कल आएंगे, लेकिन वो तो मना कर दी। अब मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, बना पाऊंगी या नहीं, यही सोचकर मैंने इनसे मजाक में बोल दिया। लेकिन मैं ये सामान मिलवा कर, मैं सब रखवा कर मैं रूम में लेटी थी, यहाँ पर मैंने सारा सामान रखवा दिया है इसी तरह से मिला कर। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम, मशीन में दे दिया है सारा कपड़ा। आप खाना बनाइए न मत बनाइए, काम तो आपको करना ही है। तो ये सब 8 बजे तक बोले थे, मुझे लगा मैं देखती हूँ इतना देर में मैं कितना काम निपटा पाती हूँ। तो बेड शीट वगैरह सब ठीक कर दिया ताकि थक के खाना पीना खा के आऊँ तो बिल्कुल सिर्फ सोने का काम हो। तो बेडरूम का काम खत्म हो गया, लाइट ऑफ कर दिया। तो अब देखिए किचन, आप सोचिएगा नीचे भी बर्तन नहीं रखा है, ऊपर भी नहीं है, तो कैसे क्या हो गया। तो मैंने आज दिन में दूध भी गर्म नहीं किया था, तो इंडक्शन पर दूध चढ़ा दिया और ये रस में चीटी लग गई थी। इतनी मलाई हो गई है और इतना सा मलाई हो गया है इकट्ठा, तो रस में कपूर देकर डाला था। अब मैं रस को डब्बे में रख लूँगी, काम खाना तो बनना नहीं है लेकिन काम करते रहना है। तो वो जो उधर सिल्वर वाले टोपिया में दूध है उसका मैं दही बना लूँगी, क्योंकि अब अगर खाने जाऊँगी तो अभी देखती हूँ ये कब तक आते हैं क्या होता है। अगर खाने जाऊँगी तो फिर दूध वगैरह तो कोई पिएगा नहीं, और लगे हाथ में थाली वगैरह धो के उल्टा ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अब हो गया है कि वो कल आएंगे नहीं। लेकिन किचन इतना साफ कैसे हुआ, एक भी बर्तन नहीं है। तो यही हुआ कि मैं सोई थी और उसके बाद शाम में सुबह आ गए तो मेरा बेटा बोल रहा है बिट्टू सुबह आंटी आई है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने मुझे लगा पैसा वैसा के लिए आई होंगी, लेकिन नहीं, वो बोली मुझे बहुत लगा कि कल मैं नहीं आऊँगी तो आपको करना पड़ जाएगा या फिर भैया को, तो मैं बर्तन धो देती हूँ। तो मेरा मन एकदम खुश हो गया, इसीलिए एक भी बर्तन नहीं, वो सारा बर्तन धो दी थी, गैस वगैरह पोंछ दी थी। और यहाँ पर जो बचा दूध था उसमें मैं जामुन दे दूँगी और यानी कि दही इसको बना लूँगी। तो एक लोटा में थोड़ा सा मैंने दही जमाया था, अभी मैं आपको दिखाऊँगी, और बहुत ही अच्छा ये दही जमा था। और दूध अभी ज़्यादा ही गर्म है, ये देखिए इतना अच्छा से ये दही बन गया था, दूध ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी, तो लगभग किचन का भी काम फिनिश हो गया, बेडरूम का काम फिनिश हो गया, किचन की लाइट मैंने बंद कर दी है। अब चलूँगी गेस्ट रूम में, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह से कपड़ा रखा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अगर वो आ भी जाते हैं सोचेंगे रेडी होकर नहीं रही,
तो मैं मुझे तो कहना है सिर्फ मुझे तो कुर्ती और प्लाजो पहनना है, छुट्टी करनी है। क्रीम वगैरह तो अभी मैं कोई लगाती नहीं हूँ क्योंकि उसका महक आने लगता है तो उल्टी हो जाएगी मुझे। बाबू भी अभी पढ़ रहा था तो मैं लगभग 8-10 हो रहे हैं तो टीवी देखने लगी मैं, और सारा कपड़ा बिखरा था, सबको एक एक करके समेटूंगी। तो फिर जब ये बोला कि सुबह आंटी, मैं उठ के गई तो बोली कि नहीं मुझे बहुत लगने लगा कि कल तो संडे है, मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन आपको करना पड़ जाएगा या फिर भैया को, क्योंकि वो भी देखती हैं, उनके सामने में ही ये खाना पीना में मेरा हेल्प करते हैं, तो बोलते हैं आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगने लगा कि आपको करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं अभी आ गई हूँ। मैंने कहा सुबह अभी आप पूछा मत करिएगा क्योंकि सुबह तो करके गई हैं, सिर्फ बर्तन झाड़ू कर दीजिए। तो वो बर्तन झाड़ू की 10 मिनट बैठी, इसीलिए मेरा पूरा किचन क्लीन था। फिर मैंने इनको कहा भी कब पूरा काम हो गया, मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं मन करता है, लेकिन ये एकदम एक जिद पकड़ लिया इनको, क्या इनके मन में हुआ कि ये कभी बोलती नहीं है या क्या हुआ। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, बाइक से ही जाना था, बोले मैं तुमको गोद में लेके जाऊँगा, आराम से लेके जाऊँगा, लेकिन पूरा मतलब एक बात को पकड़ लिया। फिर मैंने कहा चलो अब बात काटूँगी, फिर टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा वगैरह धो के मैंने डाला था सबको मैं फोल्ड करूँगी, बहुत सारा कपड़ा था, और ये बेडशीट भी 3-4 थे, और साथ साथ बाबू को पढ़ा भी रही हूँ। और उसके बाद वहाँ पर ड्रायर में मैंने नाइटी भी डाल दी है, तो नाइटी जैसे ही ड्रायर से हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आके पंखा में थोड़ा देर के लिए डाल दूँगी, और उसके बाद जब मेरा सारा कपड़ा वगैरह फोल्ड हो जाएगा, देखती हूँ अब ये कितने बजे तक आते हैं, तब फिर आगे का प्लान बताऊँगी या जाऊँगी तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि लेट हो रहा है, क्योंकि 8:15 से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो आए नहीं हैं, तो यही सोचकर। उसके बाद होमवर्क भी कराना ज़रूरी होता है, और चूँकि किडजी में ये UKG में था, करसी वगैरह सब लिखना सीख गया था, यहाँ से डायरेक्ट अब स्टैंडिंग में लिखाता है। और इधर मेरा ड्रायर में नाइटी हो गया है, बाकी सारे कपड़े को ड्रायर में डाल के मैं नाइटी लेते आऊँगी और यहाँ पर मैं डाल दूँगी, उसके बाद सारे कपड़े को फोल्ड फोल्ड कर दूँगी। और लगभग 8:30 हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं भी मैंने खाना बनाया तो भी रुकी नहीं हूँ, सारा सामान मिलाना मिलवाना रखना, अब फिर उसको सारे बाल्टी में रखूँगी सारा चीज़, उसके सारे कपड़े, और ये जो नाइटी वगैरह आप देख रहे हैं, ये जो 2 नाइटी मैंने रखा, ये दोनों नाइटी मुझे बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं करता है किसी भी कीमत पर नहीं, और जबकि ये ब्रांडेड है, थोड़ा महंगा है, ये जो आसमानी वाला है इससे ज़्यादा महंगा है, लेकिन उस नाइटी में बहुत बुरी यादें हैं, आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं किसी वीडियो में बताऊँगी, मुझे लगता है फाड़ वाड़ के फेंक दूँ, एकदम नई है आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एकदम पहनने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने सारा कपड़ा फोल्ड कर लिया और साइड में जो कुर्ती रखी हूँ यही पहन के मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अब मेरा काम इस रूम का हो गया, तो नाइटी को मैंने बालकनी में दे दिया, थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह ठीक कर लूँगी क्योंकि वो बेडरूम ठीक हो गया, किचन पूरा क्लीन है, अब ये रूम बचा है इसको भी मैं ठीक कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो मशीन में कपड़ा है लगातार मैं उसको धो रही हूँ, और अब दिन में बालकनी में देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, धूप इतनी तेज़ होती है कि पूरे कपड़े एकदम बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रूम को भी पूरा क्लीन कर लिया, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है मशीन में उसको भी मैं निकाल लूँगी और यहाँ इसमें रखते जाऊँगी। और इस सोफ़ा का कवर मैंने कल ही धोया था लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा ड्रायर से निकालने का, और यहाँ पर मैं कपड़ा दे ही रही थी ड्रायर में कि ये आ गए तब तक, तो लगभग 9:45 ये आए, तो बोले तुम रेडी हो गए, तुम लोग नहीं रही हो और रेडी होकर नहीं हो, और ये देखिए लगभग 9:45 बज रहे हैं, 9:45 ये आए, 10 मिनट का मैं 9 बजे, मैंने कहा तुरंत हो जाऊँगी, डर भी लगा क्यों गुस्साने ना लगे, कहीं खुश हो के आप जाइए बीच में गुस्सा गुस्से होने लगे तो कितना बुरा लगता है। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, खिड़की से आ रही थी। यहाँ पर बाबू भी रेडी हो गया ट्राउजर टी शर्ट पहन के, बोल रहा था जींस पहनाने, मैंने कहा अब इतना रात हो गया है और खाने पीने के लिए थोड़ा सा ढीला ढाला आरामदायक कपड़ा ही होना चाहिए, तो ये भी रेडी हो गया, ये भी अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके रेडी हो गए हैं, मैं भी ये कुर्ती और प्लाजो पहन के रेडी हो गई हूँ। तो चलती हूँ खाने, देखती हूँ अब क्या खिलाते हैं, और मुझे सच पूछिए तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, एक बार मन में आया छोला भटूरा खाऊं, लेकिन फिर लगा कि काबुली चना से कहीं गैस ना हो जाए, और हमेशा मन करता है कुछ लिक्विड पीऊं, और अभी इधर हाल फिलहाल 2-4 दिन से मीठा बहुत पीने का मन करता है, खाने का नहीं पीने का। और यहाँ मैं हॉल में आ गई हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, बिंदु मेरा बेटा बैग टांग के बोल रहा है क्या कि लंच भी दे दो क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मास्क इसको लगाना जरूर होता है क्योंकि एलर्जी होता है, तो ये बोले कि डॉक्टर बोला है तुमको भी डस्ट वगैरह से बचने, तुम भी मास्क लगा लो, कि मेरा मास्क ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसमें भी बात तो 2-4 सुन लेना है और क्या। उसके बाद ये भी अपना रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, तो हम लोग चलेंगे खाने, खा कर आते आते लगभग
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर दीजिए, मेरा मास्क मिल गया, चलिए मैं बच गई हूँ डांट से। और ये और बाबू नीचे निकल जाएंगे, फिर मैं ताला लगा कर आऊँगी। एक लाइट जला ही रहने देती हूँ। सूट वगैरह में बहुत परेशानी होती है, पहनने में टाइट होता है, मतलब मैं हिम्मत कर करके खाली, बस खाली गुस्सा ना हो, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। और बोल दिए अब एक बार, मैंने गलती कर दी, बोल दी, ये मैंने बोला भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे, बोला नेक्स्ट वीक और नहीं जाने के लायक रहोगी, इसीलिए अभी ही चलो। तो फिर ये चाबी अपना ढूंढ रहे हैं, चाबी कहाँ रखे हैं, तो इनको चाबी मिल गई बाइक की। तो हम लोग चलते हैं अब खाने के लिए, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा मुझे थाली, ऐसे भी जब मैं ठीक थी, जब मैं मेरी ये कंडीशन नहीं थी, उस समय भी मुझे थाली वगैरह चावल वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता था। ऐसे फास्ट फूड कभी डोसा हो गया, नान हो गया, इस तरह का खाने का मन करता था। और यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए हैं और ये बाइक स्टार्ट कर चुके हैं, मास्क पहने बैठे हैं। और अभी मैं आपको आम दिखाती हूँ, कितना बड़ा बड़ा आम हो गया है पेड़ में, एकदम बड़ा बड़ा हो गया। ये मालदा टाइप का आम है, पटना में तो कोई आम किसी नाम से बिकता ही नहीं, हम लोग के गांव के इधर बहुत बिकता है। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में रबड़ लगा ही रह गया, तो मैं किसी का मैनेज कर लूँगी। और उसके बाद आगे बैठा रहे हम लोग निकल रहे हैं, तो बाइक से ही निकलेंगे और देखते हैं ये कहाँ लेके जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, तो देखते हैं। अभी तक यहाँ पर आने के बाद तक भी मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन देखती हूँ अंदर बैठने के बाद क्या कुछ होता है, क्या खाते पीते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जब अंदर जाऊंगी तो आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा कि कितनी गंभीरता से मतलब ये मेनू चेक कर रहा है और यही ऑर्डर कर रहा है, जैसे लगता है कितना हर चीज़ को समझ रहा है। ऑर्डर करने में एक मोबाइल पर लगे हैं। तो चलिए डियर, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चैनल पर जो नए हैं, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। कभी कभी बीच में घूमना फिरना भी चाहिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ, हम लोग घूमने के लिए, यहाँ से घर जाके सीधा सो जाएंगे। गुड नाइट आप लोगों को भी, और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। एक एक करके ऑर्डर दे रहे थे, आ रहा था, खाए पिए। तो चलिए डियर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय 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 डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।